हेलो एवरी वन वेलकम टू सक्सेस क्लासेस आई एम गौरव सोइन और आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि बहुत डिमांड में था बहुत सारे लोगों ने मुझे टैग करके बोला था कि सर लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और हमारे पास अभी समय भी है और आगे जा कर के हम पी एच डी परस्यू भी करना चाहते हैं तो बताइए हमें कि रिसर्च पेपर जो है लिखना कैसे इससे पहले मेरी एक ट्यूटोरियल वीडियो थी पर उसमें मैंने आपको जो एक तरीके से ओवरव्यू दिया था और आपको बताया था कि किस तरीके से रिसर्च टॉपिक uh, चुना जाता है जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है पर यहाँ पे मैं एक रिसर्च पेपर लेके आया हूँ और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे चाहे आप यू जी सी केयर लिस्ट की ग्रुप वन में जिसे अपन कह सकते हैं यू जी सी अप्रूव जर्नल्स या ग्रुप टू जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज जर्नल्स हैं कहीं पर भी आप पब्लिश करोगे तो ये एक तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बस आपको ध्यान से सुनना है आपकी लिसनिंग जो है वो सही होनी चाहिए जिससे आप जो है आराम से समझ जाओ और एक बढ़िया सा रिसर्च पेपर जो है आप पब्लिश कर दो और लिख लो चलिए अगर आप हमारे चैनल पे फटाफट अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए पहले उसके बाद बेल आइकन भी हिट करें जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपको देना चाहते हैं वो आपको मिल जाए हमारा टेलीग्राम चैनल भी है और उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे हम पी डालते रहते हैं और आपको जो भी हमारी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है और हमारा सक्सेस क्लासेस ऐप भी है जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जहाँ पे आप एक्यूमलेटेड मैर में सारे वीडियोज़ और पी जो हैं आपको मिल जाएंगे आपकी सहूलियत के हिसाब से और इधर उधर आपको जो है भटकना नहीं पड़ेगा चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आपको मेन कंटेंट बता दूँ मैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपके रिसर्च पेपर में होनी ही चाहिए वो क्या है पहला टाइटल एंड एफिलिएशंस अभी बस सुनना है आपको ये सब चीज़ें एक रिसर्च पेपर के माध्यम से समझाई जाएंगी एब्सट्रैक्ट एंड की वर्ड इंट्रोडक्शन लिटरेचर रिव्यू मैथडोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटेशन्स रिजल्ट एंड डिस्कशंस कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको इनकॉर्पोरेट करने हैं अपने रिसर्च पेपर के अंदर तो इसको आप आ, देख लीजिए अच्छी तरीके से और एक रिसर्च पेपर के आ, माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे इसको अपने को यूज़ करना है और कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है और कैसे लिखनी है चलिए आ जाते हैं फटाफट अपन सबसे पहले एक रिसर्च पेपर पे मैंने कोशिश की है यहाँ पे कि एक कॉमन टॉपिक लूँ एक्चुअली में क्या रहता है कि अगर टॉपिक हमारे जान पहचान का होता है उसके बारे में अपन पढ़ चुके होते हैं तो अपना जो है इंटरेस्ट रहता है अभी मैं कॉमर्स या फाइनेंस या कोई और टॉपिक ले, ले लेता टैक्सेशन वगैरह का तो आधे लोगों का तो वहीं इंटरेस्ट जो है अलग हो जाता है और फिर वो वो ध्यान से नहीं सुन पाते क्योंकि टर्मिनोलॉजी से वो फेमिलियर नहीं है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के तो मैंने टीचिंग लिया है क्योंकि तो पेपर वन का यूनिट वन है और टॉपिक भी बहुत अच्छा है इसको मैंने पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा और ये टॉपिक जो है दिस इज़ इफ़ेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ इन एन ऑनलाइन इन्वायरमेंट आप सब जानते हो यहाँ पर बेसिकली कोविड तो नाइन्टीन का कोई यहाँ पर जिक्र नहीं है ये जो है एक तरीके से कैसे हम जो है ऑनलाइन एन्वायरमेंट का यूटिलाइजेशन करके जो है इफ़ेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं इफेक्टिंग टीचिंग डिस्कोर्स कर सकते हैं अपने लर्नर्स को इसके ऊपर जो है इसके ऊपर एक रिसर्च की गई है यहाँ पे ठीक है क्वालिटेटिव रिसर्च की गई है यहाँ पे ठीक है तो मैं क्वांटिटेटिव का भी यहाँ पे प्रस्पेक्टिव डालूंगा कि सपोज यहाँ पे क्वांटिटेटिव होता तो क्या लिखना होता बस आपको बने रहना है सुनना है सबसे पहले तो अपन बात करते हैं यहाँ पर टाइटल की एक सेकेंड इसको नीचे कर लें टाइटल की अपन बात करते हैं टाइटल का क्या होना चाहिए टाइटल के सबसे पहले अपन टाइटल पर फोकस करेंगे टाइटल का वैसे तो कोई अपन कह नहीं सकते कि कोई स्टैंडर्ड कोई एक लिमिट है कि इतने वर्ड्स का होना चाहिए इतने वर्ड्स का नहीं होना चाहिए पर कहा जाता है कि जो आपका टाइटल है इट शुड बी वी कैन से मिनिमम ऑफ सेवन वर्ड्स एंड मैक्सिमम ऑफ फिफ्टीन वर्ड्स ठीक है मिनिमम सेवन वर्ड्स होने चाहिए या मैक्सिमम फिफ्टीन वर्ड्स होने चाहिए ये कहीं स्टैंडर्ड बना नहीं है कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि मैंने आपको बता दिया या कहीं लिखा है ठीक है बोला जाता है माना जाता है कि अच्छे जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उनका टाइटल जो है वो मिनिमम सेवन और मैक्सिमम जो है फिफ्टीन होना चाहिए ठीक है तो आपने क्या किया कि सबसे पहले तो इस वर्ड के अकॉर्डिंगली अपना एक ऐसा भी नहीं कि अननेसरी आपको कुछ ना कुछ घुसाते रहना है बड़ा करने के लिए ऐसा नहीं है इट शुड बी मीनिंगफुल अब दूसरा क्या है आपके सब्जेक्ट्स रिलेटेड होना चाहिए बस सामने वाला उसको पढ़े उसको समझ में आ जाए कि ये जो आगे जाकर के रिसर्च पेपर होने वाला है ये क्या कहने वाला है और किसके ऊपर है ऐसा होना चाहिए आपका मीनिंगफुल टाइटल ठीक है तो पहला मैंने आपको बताया कि इट शुड बी वी कैन से सेवन टू फिफ्टीन वर्ड्स सेकेंड मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है इट शुड बी रेलिवेंट टू दी सब्जेक्ट सब्जेक्ट्स रिलेवेंट होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा आप नीचे कुछ और रिसर्च कर रहे हो टॉपिक कुछ और लिखा हुआ है ऊपर थीम कुछ और लिखी हुई है ठीक है थर्ड इट शुड बी इन सिंगल फेज या मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो पॉज करके और सिंगल फ्रेज पे होना चाहिए ये फ्रेज़ लिखना था यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है सिंगल फ्रेज मतलब क्या है सिंगल फ्रेज़ मतलब यहाँ पे है कि ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा है ना फुल स्टॉप यूज़ कर रहे हो और उसके बाद एक बहुत बड़ी कहानी और सेंटेंस लिख रहे हो तो आपको कोशिश करना है कि यहाँ पर जो है एक सिंगल फ्रेज होना चाहिए इट शुड बी इन क्वेश्चन फॉर्म ऑल्सो क्वेश्चन फॉर्म में भी हो सकता है पर ऐसा नहीं कि यहाँ आपने फुल स्टॉप खींचा फिर आप कुछ लिखने लग गए है ना ऐसा नहीं होना चाहिए आपका इट शुड बी इन सिंगल फ्रेज और इन सम टाइम्स इफ यू आर एज पर द नीड ऑफ द रिसर्च वो क्वेश्चन फॉर्म में भी हो सकता है नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ दैट इज ग्रामर पे आपको फोकस करना है ठीक है ग्रामर और प्रॉपर कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए कैपिटलाइजेशन मतलब प्रॉपर जहाँ पे कैपिटल्स कैपिटल क्यापितल लेटर की ज़रूरत है ठीक है वहाँ पे कैपिटल लेटर होने चाहिए और ग्रामर सही होना चाहिए ठीक है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जिसमें बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं जिसको आप यूज़ करके जो है अपने ग्रामर अगर ग्रामरिटिकल एरर्स हैं वो आप जो है ठीक कर सकते हो तो मैंने आपको बताया फोर्थ ग्रामर आपकी सही होनी चाहिए और जहाँ पे जिस जहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे कैपिटल होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट जो है आपका वो है आपको फिफ्थ पॉइंट पे एब्रीवेशन अवॉइड करनी है यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने एब्रिवेशन यहाँ पे लिख देते हैं ठीक है जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे कोई चीज़ जैसे कि आप यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर सपोज़ कुछ करें तो यहाँ पे लिख दिया यूएस तो ये एक सही नहीं कहलाता आपको पूरा उसको लिखना चाहिए आप चाह आप चाहते हैं तो वैसे तो आपको अवॉइड करना चाहिए अप्रीविएशन सपोज आपकी टाइटल की नीड है तो आप लिखो पूरा यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रैकेट में लिख दो यूएस ठीक है तो इट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल बट ऐसा नहीं कि आप आपने ऊपर लिख दिया और सामने वाला पढ़ने वाले को पता ही नहीं एब्रीवेशन का मीनिंग क्या है तो क्या वो आपको आगे जा करके आपके रिसर्च में इंटरेस्ट लेगा आप तो पोटेंशियल रिसर्चस के लिए भी तो एक बेस बना रहे हो कि इस पर और आगे जा करके फर्दर रिसर्च हो सके तो ये मैंने आपके सामने पाँच पॉइंट लिखे इट शुड भी मिनिमम सेवन एंड मैक्सिमम फिफ्टीन वर्ड्स दो इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड बट मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर दिस सब्जेक्ट जो है आप करना चाहते हो जो रिसर्च उसकी उसको अच्छी तरीके से डिपिक्ट करे आपकी थीम देन सिंगल फ्रेज होना चाहिए सेंटेंसेस पर सेंटेंसेस बहुत बड़ी कहानी नहीं लिखनी थीम में आपको और ग्रामर उसकी सही होनी चाहिए जहाँ पे कैपिटल लेटर्स की ज़रूरत है वहाँ कैपिटल लेटर्स होने चाहिए और साथ ही साथ जो है वहाँ पर एब्रिव्रेशन नहीं होने चाहिए एब्रिव्रेशन अवॉइड होने चाहिए ठीक है अब आ जाते हैं ये मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा टाइटल के बारे में अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ एफिलिएशन आप याद करिए इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया है मैं बार बार वहाँ जा नहीं रहा हूँ दो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा पूरा कि आ, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं हमें याद हो गए हैं इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर में वो फॉलो हुए हैं कि नहीं हुए हैं बिकॉज़ ये जो है मैंने ग्लोबली रिकॉगनाइज जर्नल से रिसर्च पेपर लिया है आप देख रहे होगे कि यहाँ पे कीत पकले जो ऑथर uh, हैं इनके चलिए अब यहाँ पे एफिलिएशंस में क्या है एफिलिएशन में हमने यहाँ पे नाम लिखा कीत पकले जो कि uh, जिन्होंने ये रिसर्च की है जो कि ऑथर हैं उसके बाद हम लोगों ने लिखा यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है पर जनरली क्या लिखा हुआ है यहाँ पे डायरेक्टर नीचे लिखा था डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन मींस इट इज़ योर पोजीशन इट इज़ योर डेजिग्नेशन तो आप चाहो तो इसके नीचे भी लिख सकते हो कुछ लोग सेपरेट करके लिखते हैं इन्होंने साथ में लिख दिया है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है तो इसके नीचे लिखा सबसे तो पहले आपने लिखा अपना नाम नेम उसके बाद आपने लिखा नेक्स्ट आपका पोजिशन यहाँ पर लिखा आपने पोजिशन जो की है डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन नेक्स्ट आपने लिखा जो भी आपकी कॉलेज uh, है या ऑर्गेनाइजेशन है या यूनिवर्सिटी है उनका नाम लिखा कौन कॉलेज लिख दिया रॉलेंस कॉलेज ठीक है college, उसके बाद लिखा आपने अपनी स्टेट कंट्री विंटर पार्क फ्लोरिडा यू ठीक है तो ये जो है एफिलिएशन कराती हैं और ये आपको बताती हैं कि इस पर्टिकुलर ऑथर ने जो है इस रिसर्च uh, को कंडक्ट किया है तो यहाँ पे इट कैन बी मोर देन वन ऑथर्स आल्सो तो आप कॉमा लगा सकते हो जैसे कोई और एक और ऑथर होता तो उनका नाम हो जाता फिर कॉमा होता फिर उनका नाम हो जाता तो उनका नाम, हो तो उनका नाम भी होता और उनकी भी एफिलिएशंस लिखनी ज़रूरी है तो ये हो गया सेकंड पार्ट दैट इज़ एफिलिएशन्स और एफिलियशंस का मैंने आपको बता दिया कि एफिलियशंस में इस इस तरीके से नेम पोजिशन ऑर्गेनाइजेशन और कॉलेज और यूनिवर्सिटी और वी कैन से स्टेट कंट्री इस सीक्वेंस में आपको एफिलिएशन लिखनी चाहिए स्टार्टिंग पे बहुत आराम से अपन कर रहे हैं ठीक है जस्ट लाइक अ बिगिनर चलिए आ जाते हैं अब उसके नीचे क्या लिखा हुआ है उसके नीचे लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट चलिए वहाँ पे भी था हमारा एब्स्ट्रैक्ट अब ऐबस्ट्रैक्ट में कुछ चीज़ें जो आपको नो जिसे नो कहना है वो है कि एब्स्ट्रैक्ट में रेफरेंसिंग नहीं आनी चाहिए है ना हम लोग रेफरेंसिंग आखिरी में करते हैं ना रेफरेंसिंग यहाँ नहीं लिखना आपको कि एब्सट्रैक्ट के अंदर आपने रेफरेंसिंग लिख दी इट इज़ तो टोटली अवॉइडेड नेक्स्ट कोई टेबल या फिगर नहीं डालना है यहाँ पे कोई टेबल आपने डाल दिया इसके अंदर यहाँ पे कोई टेबल डाल दिया वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है और थर्ड क्या है कि आपको जो है एबडिवरिएशन भी यूज नहीं करनी है दो इफ यू आर यूजिंग एबडिवर दैन यू हैव टू यू नो राइट इट द वे दैट आई टोल्ड यू कि आपको यूनाइटेड स्टेट्स लिख के यहाँ पे और ब्रैकेट में लिख देना है यू एस जिससे सामने वाले को जो है समझ में आया कि यूएस मतलब ही इज़ टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स ठीक है देर इज एन ऑप्शन तो मैंने बता दिया कि एबस्ट्रैक्ट में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कौन कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए देर शुड बी नो रेफरसिंग देर शुड बी नो टेबल और चार्ट और फिगर और ग्राफ एंड देयर शुड बी नो एब्रीविएशन और इसका एक्सेप्शन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया ठीक है चलिए अब आ जाते हैं कि क्या क्या होना चाहिए ना कि तो अपने डोंट्स की तो बात कर दी अब डूज की भी बात कर लेते हैं कि डूज क्या क्या होने चाहिए जैसे कि मैं इस रिसर्च की बात करूँ तो इस रिसर्च में वो क्या कर रहे हैं जो कीथ बकले जी हैं ये देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि ऑनलाइन एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं तो यहाँ पे क्या किया जैसे कि अगर आप लिखो सबसे पहली मैंने abstract, abstract चीज़ मैंने आपको बताया कि जो एब्सट्रैक्ट एब्सट्रैक्ट में होनी चाहिए दो मैंने एब्स्रैक्ट का एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है उसको अगर आपको डिटेल में जानना है वैसे तो मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊँगा आपको और डिटेल में अगर जानना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है फर्स्ट थिंग दैट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एब्स्ट्रैक्ट इज इम्पॉर्टेंस एंड इंट्रोटक्शन ठीक है इंपॉर्टेंस इन इंट्रोडक्शन क्या इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ये इंपॉर्टेंस क्या है द ऑनलाइन एनवायरनमेंट इज़ अ पावरफुल टीचिंग एंड लर्निंग एरेना इन विच न्यू प्रैक्टिसज एंड न्यू रिलेशनशिप्स कैन मेक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू लर्निंग ऑनलाइन करने से आप सोचिए आजकल ऑनलाइन कितना चल रहा है कोविड नाइन्टीन के केस में अगर ये ना होता तो आजकल बच्चे जो है वो लर्निंग से दूर हो गए होते तो उन्होंने बताया कि ऑनलाइन एनवायरमेंट पावरफुल लर्निंग एंड टीचिंग एरेना है इन विच अलॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन हम दे सकते हैं लर्निंग की तरफ तो यहां पर हमने लिख दिए सबसे पहले उसका इंपॉर्टेंस एंड इंट्रोडक्शन फिर नेक्स्ट है मैथड्स एंड मैथड्स ऑफ रिसर्च किस किस तरीके से आप रिसर्च करके ये प्रूफ करने वाले हैं कि या यस देयर आर इफेक्टिव टीचिंग स्टार्टेड इन इन एन इन ऑनलाइन इन्वायमेंट तो हम क्या करने वाले हैं इन कंस्ट्रक्टिंग अ ऑनलाइन कोर्स दीस थिंग शुड बी इनकॉर्पोरेटेड द इंस्ट्रक्टर मस्ट टेक इनटू अकाउंट डिजाइनिंग द कोर्स शुड बी अप्रोप्रिएट डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटिंग कंटेंट फैसिलिटी लर्निंग ये सारी चीज़ें आगे आएंगी उसका यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया जा रहा है वहाँ डेप्थ में आएंगी चैप्टर वाइज आएंगी यहाँ पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस किस चीज़ों से हमने ये सिद्ध किया है हमने ये प्रूफ किया है ठीक है रेलिवेंट असाइनमेंट्स कोर्स एवेल्युशन एंड ऑल दिस ठीक है तो ये बता दिया हमने मैथड्स ऑफ रिसर्च कि क्या कीज़ें मैंने यूज़ की है और इन इन चीज़ों पर मैंने रिसर्च किया जिससे जो है इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज ये स्ट्रैटेजीज जब अपनाओगे तो ऑनलाइन एनवायरमेंट जो है वो सही तरीके से क्या होगी आपकी फेवरेबल होगी इफेक्टिव होगी ठीक है नेक्स्ट क्या है आपका रिजल्ट रिजल्ट क्या आया जरा देखते हैं यहाँ पर थर्ड मैंने आपको बता दिया थर्ड पॉइंट दैट शुड बी मैंशन इन एबस्ट्रैक्ट इज रिजल्ट अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच एक्नोलॉजीज वट स्टूडेंट ब्रिंग इन टू ऑनलाइन क्लासरूम देर बैकग्राउंड नीड्स एड इंटर्स एंड वट दे टेक अवे एज रेलिवेंट एंड मीनिंगफुल कोर्सेज दिस पेपर ठीक है अब ये बता दिया उन्होंने कि क्या ये पेपर ये बताते उन्होंने कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच आपको अपनानी चाहिए आज की डेट में जो है टीचर सेंटेड तो हमें भी पता है हम टीचिंग एक्टिव्यूट में पढ़ते हैं कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में हम जो भी डिजाइनिंग करते हैं मतलब ये जो कोर्स डिजाइन वगैरह लिखा हुआ है ना कोर्स डिजाइन इंप्लीमेंटेशन इवेलिएशन और असाइनमेंट वगैरह इट शुड बी डन और इट शुड बी डिज़ाइंड बाय कीपिंग इन माइंड द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच तो ये हमने बता दिया कि रिजल्ट की लर्नर सेंटर्ड अप्रोच आपको अपनानी चाहिए अब हाउट इज बेनिफिशियल सोसाइटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बेनिफिशियल है ये द पेपर विल एक्सप्लोर हाउ टू डिजाइन इम्प्लीमेंट एंड इंस्ट्रक्ट अ थॉरो ऑनलाइन कोर्स सेट एंगेजेस द स्टूडेंट एंड गिव द्लेटफॉर्म टू लर्न एंड एनहैंस अकेडमिक एक्सपीरियंस क्या सोसाइटी से रिलेटेड नहीं है लोगों तो की नॉलेज बढ़े तो सोसाइटी की नॉलेज बढ़े ना तो सोसाइटी में जो बच्चे हैं जिनकी जिनको हम ऑनलाइन के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं और उनकी लर्निंग को एन्हेंस करना चाहते हैं तो ये देखिए सोसाइटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आगे जाकर के इंटरव्यू में पूछा जाता है और रिसर्च पेपर में आपने लिख दिया कि दिस इज़ आई एम डूइंग दिस बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू लोगों की लर्निंग एन्हांस होगी और जो अपन कह सकते हैं डिजिटल डिवाइड है जो हम लोग आई सी में भी पढ़ते हैं वो क्या हो जाएगा वो कम हो जाएगा तो आई थिंक आपको एब्सट्रैक्ट समझ में आ गया अब आ जाते हैं हम किसकी तरफ अब हम आ जाते हैं कीवर्ड्स की तरफ कीवर्ड्स क्या हैं कीवर्ड्स जो हैं वो क्या क्यों लिखते हैं कीवर्ड्स क्या जरूरत है कीवर्ड्स की कीवर्ड्स लिख लिखते हैं अपन जिससे अगर कोई इस टॉपिक पे फर्दर रिसर्च कर रहा है जैसे इसने तरह यहाँ पर किसी ने ऐड कर लिया नॉम रेफरेंस टेस्ट या कुछ भी ऐसा ऐड किया टीचिंग रिलेटेड तो उसको इन कीवर्ड की मदद से जैसे कि अपन हैशटैग नहीं लिखते हम लोग इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब में भी आपने देखा होगा हैश टैग यू जी सी नेट हैश टैग जे आर एफ हैश टैग पेपर वन वो यही है कीवर्ड से हम जो हमारे रिसर्चर्स हैं पोटेंशियल रिसर्चर्स हैं इफ़ दे आर गोइंग टू डू रिसर्च इन दिस टॉपिक फर्दर रिसर्च इन दिस टॉपिक एंड दे कैन इजीली फाइंड आउट तो उनको आसानी से मिल जाए इसलिए हम लोग सर्च करने के लिए की यूज़ करते हैं और साइटेशन उनको मिलेगी तो साइटेशन मिलेगा और जितना साइटेशन हाई होगा उतना अच्छा पेपर कहलाएगा ठीक है तो ये हो गए हमारे कीवर्ड्स ठीक है अब कीवर्ड्स का ऐसा कुछ यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कीवर्ड्स कितने होने चाहिए वैसा जनरली इसका भी मैं बता दूँ कि लोग बोलते हैं या जो है ना एक्सपर्ट्स बोलते हैं इट शुड बी मिनिमम ऑफ फ़ फ़ोर एंड मैक्सिमम ऑफ एट ये भी मैंने आपको बता दिया दो क्योंकि मैंने ये पढ़ा था कहीं पे तो मेरे को बताना मेरा फ़र्ज है ये चीज़ तो यहाँ पे कह रहे हैं उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ तीन यूज़ किए हैं तो यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है पर एक एक्सपर्ट uh, बोलते हैं कि एज़ पर देयर आर एक्सपर्टाइज देर शुड बी मिनिमम ऑफ फोर की एंड मैक्सिमम ऑफ एट अब आ जाते हैं हम इंट्रोडक्शन पार्ट में याद करिए हमारा नेक्स्ट पार्ट कौन सा था हमारा नेक्स्ट पार्ट था इंट्रोडक्शन पार्ट अब इंट्रोडक्शन तो क्या है कि बहुत डेप्थ में हो सकता है है ना एक तरीके से आपको इंट्रोड्यूस कराना है इंट्रोड्यूस Introdu इंट्रोडक्शन पे तो पूरी पूरी कहानियाँ टीचिंग के ऊपर तो एक पूरा चैप्टर एक यूनिट है कितनी मोटी यूनिट है एक, एक पूरी टीचिंग के ऊपर तो हमको इतनी बड़ी नहीं लिखनी है कि हम बिल्कुल पूरी कहानी लिख रहे हैं उनके सामने हमको उसको समराइज़ करना है तो इंट्रोडक्शन में हमको कोशिश करना है कि इट शुड बी समराइज्ड समराइज्ड इन अ वे जो पढ़ने वाला है उसको सब समझ में भी आ जाए और बहुत ज़्यादा लंबी कहानियां भी ना हो तो यहाँ पे हमें समराइज़ करना है इट इज़ दी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड वाइल राइटिंग एन इंट्रोडक्शन ठीक है तो समराइज आपको करना है इंट्रोडक्शन में समराइज मतलब उसका थोड़ा बैकड्रॉप दो जैसे कि यहाँ पे बताया इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इफेक्टिव ऑनलाइन कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड थोड़ा बताया कि क्या क्या आप जो टीचर को भी पता होना चाहिए ना इट शुड भी वेरी मच फेवरेबल विद द टेक्नोलॉजी एज वेल उनको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो ऑनलाइन कसेस कैसे दे पाएंगे ठीक है तो ये चीज़ बताया कि क्यों इंपॉर्टेंट है वट इज़ दी यू नो रेलिवेंस ऑफ ऑनलाइन टीचिंग एंड हाउ वी कैन मेक इट इफेक्टिव तो पहले आपने किया उसको थोड़ा सा समराइज़ किया इंट्रोड्यूस किया क्या क्या चीज़ें होती हैं अप्रोचेज ऑल्सो हेल्पस टू कैट इंड इंडिविजुअल नीड्स जैसे मैंने आपको दाया कि डिजिटल डिवाइड कम होता है तो ये सब चीज़ें उन्होंने इंट्रोडक्शन के फेस में लिखी है ठीक है अब एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में देना है वो है लिटरेचर रिव्यू इसके ऊपर भी मैंने बनाई है एक वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है डिटेल में आपको जाना है लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं आप उस वीडियो को देख सकते हैं अब लिटरेचर रिव्यू क्या होना चाहिए लिटरेचर रिव्यू की अगर मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन उन्होंने कितना लिखा है सर दिखा तो दीजिए इंट्रोडक्शन उन्होंने यहाँ तक लिखा हुआ है यहाँ तक एक्सपीरियंस तक लिखा हुआ है ठीक है हम किसकी बात कर रहे हैं लिटरेचर रिव्यू कि लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं टू फाइंड आउट द रिसर्च गैप्स रिसर्च गैप्स क्या क्या दूसरे ने किया है उसको हाईलाइट करो और क्या उनमें कमी है उसके ऊपर मैं रिसर्च करने वाला हूँ अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बैकग्राउंड में वैन ऑब्जर्विंग द लिटरेचर ऑन ऑनलाइन लर्निंग मतलब इस बंदे ने लिटरेचर रिव्यू की है और हमें करनी भी चाहिए इट इज़ एपरेंट दैट रिजल्ट हैव नॉट मिट एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टूडेंट लर्निंग कमियाँ रह गई हैं उसी कमी को मैं और बना करके रिसर्च करने वाला हूँ ठीक है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं द प्रोपोर्शन ऑफ चीफ अकेडमिक लीडर रिपोर्टिंग मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपको तो एक है ना एक तरीके से हेल्प चाहिए एक तरीके से एक चाहिए तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ सरप्राइजिंगली ऑनलाइन एजुकेशन हैव टू इंप्रूव हैफोर्डेबिलिटी फ्रीक्वेंट कॉस्ट मोर देन इन पर्सन ऑल्टरनेटिव मतलब कुल मिला करके यहाँ पे क्या करना है लिटरेचर रिव्यू में यहाँ पे जो भी आपने लिटरेचर रिव्यू पढ़ी है उसके बारे में डिस्कस किया है और समझा है उसको यहाँ पे लिखना है और उसमें क्या कमी रह गई है क्या गैप रह गया है जिस जिसपे आप रिसर्च करने वाले हो यहाँ पे आपको मैंशन करना है किसके अंदर ये पार्ट पूरा अभी एक तरीके से वन वन ही के अंदर आ रहा है ना ये वन के अंदर आ रहा है ना इंट्रोडक्शन ये इंट्रोडक्शन मतलब द दल इंट्रोड्यूस्ड या इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक या थीम दैट यू आर Uh, on which you are researching, as well as the literature review, both should be incorporated under one head and that head is इंट्रोडक्शन ठीक है ये दोनों की दोनों चीज़ें इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक एज वेल एज लिटरेचर व्यू ये दोनों चीज़ें इंट्रोडक्शन के अंदर आएंगी। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है तो आपको पता चल के इंट्रोडक्शन में जो लोग पूछते हैं क्या लिखना है तो इंट्रोडक्शन में आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने थीम को साथ ही साथ जो चीजें आपने नई फाइंड आउट की हैं और जो गैप्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं उसको आपको लिखना है आप चाहो तो आप जो है पैराग्राफ चेंज कर सकते हो अब नेक्स्ट आ गया आपका मैथडोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटेशन याद करिए है ना क्या था इंट्रोडक्शन एंड लिटरेचर इंट्रोडक्शन के बाद लिटरेचर रिव्यू था उसके बाद था मैथडोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटेशन इसमें क्या करने वाले हैं हम इसमें हम देखने वाले हैं कि किस किस एक्सपेरिमेंट से कौन कौन सी मैथडोलॉजी अपना रहे हैं जिससे हम इस रिसर्च को कंडक्ट करेंगे ठीक है और यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे हम अब ये एक तरीके से बहुत लेंदी पार्ट होता है सबसे ज्यादा लेंदी पार्ट होता है रिसर्च मैथडोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटेशन जिसमें आप अपने रिसर्च को एक्सपेरिमेंटर एक्सपेरिमेंटेशन करके प्रूफ करने वाले हो uh, कर करके अगर से हम क्वान्टेटव की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग यू नो यू विल डिस्क्राइब द योर सैम्पल फ्रेम योर सैम्पल साइज़ कितने आप सैम्पल साइज़ लेने वाले हो और कहाँ कहाँ से लेने वाले हो पूरा प्रोसेस रिसर्च डिजाइन का एनालिसिस यू नो इंटरप्रिटेशन एवरी थिंग इट शुड भी इंकारपेटेड अंडर दिस रिसर्च मैथोलॉजी एंड एक्सपेमेंटेशन उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैनुपलेट कर रहे हैं उसका इफेक्ट है, है, हम डिपेंडेंट वेरिएबल में कर रहे हैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन रिसर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने बताया कि मैं क्वान्टिटेटेटिव को भी इकॉकॉपोरेट कर रहा हूँ ठीक है थीके? तो ये जो पार्ट है सबसे ज़्यादा लेंदी पार्ट है और ये कहलाता है रिसर्च मेथोडलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटेशन जिसमें आप एक्सपेरिमेंट्स करके रिसर्च मेथोलॉजी करके अपने रिसर्च को प्रूव करने वाले हो ठीक है ये सबसे ज़्यादा लेंथी होता है और ये चैप्टर्स में होते हैं जैसे यहाँ पे इन्होंने याद है एब्स्ट्रैक्ट में लिखा था इंट्रैक्शंस और ये सब चीज़ें है ना ये लिखा हुआ है इंट्रैक्शन और ये सब चीज़ें जो उन्होंने थोड़ा बहुत उन्होंने एक तरीके से जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया था अब यहाँ पर डेप्थ में उनको बताए बताने वाले हैं ठीक है तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि इंट्रैक्शन होना चाहिए देर शुड बी अ पॉसिबल इंट्रैक्शन एक ऐसा टीचर है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और वो मुंबई में है और एक बेचारा स्टूडेंट गाँव में है वो पढ़ सकता है उस टीचर से अगर यहाँ पे जो है ऑनलाइन एनवायरमेंट होगा तो उन्होंने इंट्रैक्शन की बात की फिर उन्होंने डिज़ाइन किया कि किस तरीके से कोर्स डिज़ाइन होना चाहिए जिससे क्या है कि पोल होना चाहिए चैट होनी चाहिए जो भी चीज़ें होती हैं रिक्वायर्ड वो सब चीज़ें होनी चाहिए पीडीएफ के ऑप्शन होने चाहिए तो किस तरीके से डिजाइनिंग होनी चाहिए उस पर हम लोगों ने, ने डिस्कशन किया क्योंकि तो इफेक्टिव बनाना है ना इनवायरमेंट किसी एक चीज़ में फोकस नहीं करते तो यहाँ चैप्टर्स हो गए है ना एक चैप्टर हो गया इंटरेक्शन एक हो गया डिज़ाइन एक हो गया कंटेंट क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए आपके यू नो करिकुलम के या जो भी आप चीज़ें यू नो यूटिलाइज कर रहे हो अपने एनवायरमेंट में ऑनलाइन एनवायरमेंट में तो कंटेंट हो गया यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ ऑफर डिजाइनिंग इंप्लीमेंटिंग एंड फैसेटिंग दी कोर्स क्या 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 स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए ये थी सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई रिसोर्स क्या क्या होने चाहिए कंटेंट हो गया ये भी एक चैप्टर हो गया जिसमें जिसके अंदर आ रहा है ये मैथोडलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर है ना फैसिलिटेटिव लर्निंग जो कि ऑब्जेक्टिव ही है टीचिंग का कि लर्निंग होनी चाहिए उसके बाद असेसमेंट कैसे करना है हम असेसमेंट के लिए आप करा सकते हो मैं का करा सकते हो बहुत सारी चीज़ें करा रहे हो मैं इसलिए इसका दे रहा हूँ क्योंकि इनसे हम फेमिलियर हैं ठीक है उसके बाद हम इवेलुएशन क्या क्या तरीके हैं जिससे हम इवेलुएट कर सकते हैं असेसमेंट मतलब हम आ, कैसे हम जो है बच्चों से कोइजेज लेंगे बच्चों से जो है हम लोग टेस्ट लेंगे उसके बाद हम कैसे इवेलुएशन करेंगे ऑटोमेटिकली जो है जब टाइम अप हो जाएगा तो वो शो रिजल्ट आएगा शो रिजल्ट में ऑटोमेटिकली उनके रॉन्ग आंसर्स करेक्ट आंसर्स रैंक कितनी उनको मिली है ये सब दिखने लग जाएगा तो ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन चल रहा है किसके अंदर ये हो रहा है आपका मैथडोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर तो यहाँ पर ये चैप्टर वाइज uh, होता है और ये इन सारी चीज़ों पर फैक्टर किया जा रहा है और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इन ऑर्डर टू मेक एन इफेक्टिव ऑनलाइन एनवायरनमेंट फॉर टीचिंग ठीक है तो ये हम आ गए अपने पॉइंट uh, पे सेवेंथ पॉइंट जो है हमारा मेथडोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटेशन का ये कंप्लीट हो गया अब आ गए हम यहाँ पे ये वाला भी हो गया मूविंग फॉरवर्ड भी एक पॉइंट था ये भी चैप्टराइज ये भी आपका एक्सपेरिमेंटेशन एंड मेथोलॉजी का ये पार्ट है जिसमें हम आगे कैसे जा सकते हैं हम आगे क्या देख रहे हैं उसने ये भी बहुत सारे रिसर्चेस लिखते हैं कि आगे यहाँ पे और आ, कैसे हम और फॉरवर्ड जा सकते हैं कैसे इज से स्कोप ऑफ फर्दर रिसर्च बहुत सारे जो है रिसर्चेस इस बात पर फोकस करते हैं जिससे एक तरीके से एक उनको छोर मिल जाता है जो आगे जाकर के पोटेंशियल रिसर्चेज हैं कि हम इस पर और कैसे रिसर्चेस कर सकते हैं तो यहाँ पर हम मूविंग फॉरवर्ड में लिख दिया अब यहाँ पर जो एक चीज़ जो बेसिकली हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्चेज़ में ज़्यादा होती है क्वालिटेटिव में कम होती है वो होती है इन दोनों के बीच का पार्ट इन दोनों का मतलब मैथडोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटेशन और कंक्लूशन के बीच का एक पार्ट है दैट इज़ रिजल्ट एंड डिस्कशन मैंने लिखा हुआ है पी में रिजल्ट एंड डिस्कशन यहाँ पे यूज़ होता है आपका रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो आप रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ते हो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरा रिसर्च जो है कवर हो जाए यहाँ रिलायबिलिटी वैलिडिटी क्यों क्या गारंटी है कि आपने जो रिसर्च किए जो आपने एक्सपेरिमेंटेशन किए वो करेक्ट है कि नहीं है आप यहाँ पर कुछ ना कुछ या फिर आप अगेन एंड अगेन करो कंसिस्टेंसी करो कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी मतलब क्या होता है कोई स्टैंडर्ड से आप क्या करो उसको कंपेयर करो जो कि एक्यूरेट हो जाएगा जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वांटिटेटिव ले लिया मैं थोड़ा कॉमर्स यहाँ पे ऐड करूंगा जैसे कि हम लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की जो है कैपिटल स्ट्रक्चर देखा का कैपिटल स्ट्रक्चर का एनालिसिस किया और ये देखा कि क्या डेट अगर हम ज़्यादा डालते हैं ज़्यादा अब परेशान मत होइएगा मैं क्वान्टिटिव मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वान्टिटिव बता सकता था कि जैसे जैसे हम डेट डालते रहते हैं वैसे वैसे जो है के हो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम होता रहता है तो यहाँ पर स्टैंडर्ड किसने बताया हुआ यहाँ स्टैंडर्ड ऑलरेडी नेट इनकम अप्रोच ने बताया हुआ है जो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा था यहाँ पे बोला हुआ है ना कि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बना हुआ है हम हाँ यहाँ पे एक तो फाइंड आउट कर सकते हैं अगेन एंड अगेन करके बहुत सारे जो है अलग अलग कंपनीज का हम देखें उन सब में भी सेम रिजल्ट आ है तो हमने बोल दिया येस अवर पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इज़ वैलिड जो हमने इससे पहले किया हुआ है और अगर वैलिडिटी आपको फाइंड आउट करनी तो आप स्टैंडर्ड से मेजर करो स्टैंडर्ड क्या बनाया हुआ है कि जैसे जैसे आप डेट यूज़ करते हो आपका ओवरऑल कॉस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता है ये किसने बताया था नेट इनकम अप्रोच में कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में तो ये हो गया आपका रिजल्ट एंड डिस्कशन में ये इसके अंदर लिखोगे आप कि हाँ ये स्टैंडर्ड फिक्स है और जी हाँ जिस कंपनी पर हमने रिसर्च की है वो भी यही कह रहा है कि डेट जैसे जैसे बढ़ाते हो वैसे वैसे आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता है तेयर फोर हम कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटेशन इज़ करेक्ट और वैलिड एंड रिलायबल ठीक है इज़ इट क्लियर मैंने ये जनरली यहाँ पे यूज़ क्यों नहीं हो रहा है सर क्योंकि ये क्वालिटेटिव रिसर्च है दिस इज़ नॉट क्वान्टिटेटिव यहाँ कोई स्टैंडर्ड नहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ नहीं नया आ रहा है ठीक है यहाँ पे बेसिकली वो फोकस कर रहे हैं कि कुछ नई चीज़ लेके आएँ कि कैसे वो इफेक्टिव इन्वायरमेंट को बना इम्प्रूव कर सकते हैं बना सकते हैं ऑनलाइन इफेक्टिव जो नो एन्वायरमेंट बना सकते हैं टीचिंग के लिए ठीक है तो यहाँ पे एक आ गया रिजल्ट डिस्कशन जिसमें आप स्टैंडर्ड से अपने एक्सपेरिमेंटेशन को कंपेयर करोगे जिससे वैलिडिटी आ जाएगी या फिर आप कर सकते हो रिलायबिलिटी बाय डूइंग इट अगेन एंड अगेन ठीक है उसके बाद आएगा आपका कंक्लूजन और कंक्लूजन आपका रिसर्च स्पेसिफिक होना चाहिए कि क्या स्टैंडर्ड से मैच करके जो आपने रिजल्ट निकाला है है ना स्टैंडर्ड से मैच करके उसका जो है कंक्लूजन आप यहाँ लिखोगे येस नाउ वी कैन से दैट कि हमारा जो पर्टिकुलर कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है इस पर अगर हम ज्यादा से ज्यादा डेट लेते जा रहे हैं लोन लेते जा रहे हैं तो उससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रहा है बिकॉज ऊपर हमने इसके ऊपर क्या कर दिया है रिसर्च सिंपल तो ये यह, आप यहाँ पे फाइनल अपना कंक्लूशन लिखोगे एंड इट शुड बी स्पेसिफिक टू योर रिसर्च क्लियर क्या निकला है आपका ये तो रिजल्ट आपको पता चलेगा कि आपने स्टैंडर्ड से कंपेयर किया उसके बाद क्या निकला है ये आएगा, आएगा आपका कंक्लूजन पार्ट में ठीक है अब आ गए हम रेफरेंसिंग में बहुत नज़दीक आ गए अपन अब रेफरेंसिंग बहुत तरीक़ों से आप कर सकते हो आपको पता भी है आप रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ भी चुके हो ए पी ए शिकागो है ना एम एल ए बहुत सारे तरीके होते हैं यहाँ पे कौन सी फॉलो हुई है यहाँ पे फॉलो हुई है ए पी ए और जनरली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट भी ए ही करती हैं है ना अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ठीक है तो यहाँ पे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जिसे आप ए पी ए स्टाइल ऑफ़ रेफरेंसिंग बोलते हो वहाँ से उन्होंने उसकी मदद से रेफरेंसिंग कर दी कि रेफरेंसिंग में अब क्या 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 आता है इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ मैं आपको रेफरेंसिंग में जो जो चीज़ें आपने मैंशन की है अपने रिसर्च में वो सारी चीज़ें आप आएँ जैसे यहाँ पे एल इन सब के बारे में जो है इन्होंने इनके ऊपर रिसर्चेज हो चुकी हैं और इसको मैंने बेस बना करके आधार बना करके मैंने अपने जो है रिसर्च में मेंशन किया है और मैं कुछ ना कुछ नई चीज़ लेके आपके सामने आया हूँ जो कि मैंने यहाँ पे आपको कंक्लूजन में बता दी है ठीक है तो रेफरेंसेज यहाँ पे ए स्टाइल यूज़ हुआ है आई होप आपको ए स्टाइल एस एम एल ए और इससे पता होगा क्योंकि हम लोग ये अक्सर यूज़ करते रहते हैं हम रिसर्च एप्टीट्यूड में ही पढ़ा है नवदीप मैम क्लासेज अगर अटेंड किए हैं आप लोगों ने तो ये है आपका रेफरेंसिंग uh, जिसमें हम लोग लिख देंगे यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टाइल को अडॉप्ट करके जो जो हमने अपने रिसर्च में यूज़ किए हैं यू नो कोई रिसर्च पेपर यूज़ किया है कोई आर्टिकल वगैरह यूज़ किया तो हम उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे ठीक है अब जरा देखते हैं कितना बड़ा है रेफरेंस रेफरेंस नेक्स्ट पेज तक जा रहा है तो यहाँ पे रेफरेंसिंग हो गया अब यहाँ नीचे क्या है कि ऑथर डिटेल्स दी हुई हैं इनकी केत बक लेकर इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट दो मोस्ट ऑफ द पीपल इसको लिखना प्रेफर करते हैं जिससे उनको उनके एफर्ट्स और उनकी जो डिग्रीज को एक्नॉलेज किया जा सके कि वो उन क्या क्या हैं डॉक्टर इज़ ए प्रोफेसर हु हैज़ स्टॉच इन हेल्थ एंड साइको फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट इन लास्ट लास्ट फिफ्टीन ईयर्स दो इट इज़ नॉट कंपल्सरी अब मैंने आपको बता दें डिफ्रेंसेज अब दो चीज़ों पर मैं और जिक्र करना चाहता हूँ जो कि मैंने अपने ऊपर वहाँ नहीं लिखी हुई हैं ठीक है वो मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ फर्स्ट है आपका जो कि बहुत रेयरली uh, जो है वो यूज़ uh, होते हैं एक होती हैं आपकी आप देखते हो कई सारे रिसर्चेज़ में एब्रीवेशन यूज़ होते हैं बहुत सारे ये बेसिकली इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि टेक्निकल में ज़्यादा जाता है जैसे कि कोई अब जैसे कोई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है बी किया हुआ है या उन्होंने केमिस्ट्री वगैरह किया तो वो है ना सी ओ और बहुत सारे केमिकल्स नेम होते हैं है ना पी और ये सब चीज़ें तो अगर आप कोई एब्रीविलेशन यूज़ कर रहे हो बार बार तो वो पोटेशियम और ये एच टू एस ओ फोर हाइड्रो और ये सब चीज़ें पूरा लिखेगा नहीं तो उसको अपना कन्वीनियन कन्वीनियंट बनाने के लिए वो वो का एक टेबल बना लेता है और वो टेबल जो होना चाहिए वो शुरुआत में होना चाहिए बाद में रखे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना वो परेशान हो जाएगा तब आपको बाद में पता चला कि एब्रिव्रेशन का टेबल तो पीछे दिया हुआ था तो अगर आपकी कोई पर्टिकुलर रिसर्च uh, में एब्रिग्रेशन यूज़ हो रही हैं और इट इज़ मैडेटरी टू यूज़ एब्रीग्रेशन इन द रिसर्च आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइटल और समथिंग लाइक दैट अगर उसमें यूज़ हो रही है तो आप एब्रीवेशन का एक टेबल शुरुआत में बना सकते हो मतलब इंट्रोडक्शन से पहले ऐसा करके ठीक है और एक और चीज़ हम लोग पढ़ते हैं दैट इज़ अपेंडिक्स ये भी बहुत फेमिलियर है अपेंडिक्स अब इसमें क्या है अपेंडिक्स में क्या होता है इसमें जब सपोज़ होता क्या है कि इसमें हम लोग टेबल्स वगैरह नहीं डालते बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन भी आता है हम लोग पेपर वन में करते हैं यहाँ पे सपोज़ आपने किसी टेबल से कोई वैल्यू ली हुई है उसकी यहाँ पे हम जिक्र करते हैं अपेंडिक्स के अंदर ठीक है अगर आपने किसी टेबल से कोई टेबल आपने लिया किसी बुक से या कोई रिसर्च पेपर से या कोई पर्टिकुलर कोई सोर्स से तो उस वैल्यू को आपने यूज़ किया है उस टेबल को तो आप उनकी उसकी रेफरेंसिंग देते हो उस टेबल की रेफरेंसिंग याद होगी कि जो वैल्यू मैंने यूज़ की है अपने रिसर्च में ये मैंने फ़ला फला जो है जगह से ली है तो यहाँ पे टेबल नहीं आता है अपेंडिक्स में उसकी रेफरेंसिंग आती है कि वो टेबल जो है वो लिया कहाँ से है इज़ इट क्लियर तो ये एक अपेंडिक्स जो है वो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं जिनका जो है बहुत सारा यू नो मेजर्ड और बहुत ज़्यादा जो है न्यूमेरिकल कैलकुलेटिव रिसर्च होती है तो तो इसी के साथ मैंने एक वीडियो बनाया आप लोग के लिए जिससे आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करनी मैंडेटरी हैं और कैसे करनी है उसको विद दी हेल्प ऑफ दिस रिसर्च पेपर जो कि हम लोगों ने पढ़ा इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज इन इन एन ऑनलाइन एनवायरनमेंट ठीक है आई होप आपको ये समझ में आया होगा और बहुत सारे लोगों की परेशानी थी और मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ इसको शेयर करिए जिससे ज़्यादा से लोगों तक पहुँच सके क्योंकि बहुत लोगों की परेशानी है और एक बिगिनर है अगर आप तो आपको अच्छी तरीके से एक बेस पता चल जाएगा जिससे आप आगे जा करके रिसर्च कर सकते हो और हम मैं तो खुद एक रिसर्च स्कॉलर हूँ तो मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए जिससे आपका साइंटिफिक बैंड ऑफ माइंड और इम्प्रूव हो जाए सो थैंक यू सो मच फॉर यू वेरेबल टाइम ऐसे वीडियोज़ आती रहेंगी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिखी कोई और वीडियो चाहिए आपको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं लाइक करिए शेयर करिए Thank you so much and have a very nice day ahead.